कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत और एक स्ट्रॉन्ग भारत बन के उभरे, खाने की दुकानें और उसका सप्लाई चेन, इसका रिस्पॉन्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इसकी डिमांड निरंतर बढ़ रही है। ये जो पर्टिकुलर वायरस है जिसको COVID-19 के नाम से जाना जाता है, वो हमारे फूड के माध्यम से प्रचारित प्रसारित नहीं होता है। फूड सेफ्टी की जो इम्पोर्टेंस है, अच्छे खाने की जो इम्पोर्टेंस है, ये महामारी के चलते हमारे मन में आ चुकी है। ये जो स्कीम है इसको मैं 360 डिग्री स्कीम कहता हूँ। आपको मार्केटिंग के लिए पैसा है, आपको स्किल इन्हांसमेंट के लिए पैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में कम से कम 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस ऐसा है जिससे आप फार्मर का भला करेंगे और कंज्यूमर की दुआ लेंगे। PMFME पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट द्वारा हमारा उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख रूप से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े अहम विषयों पर प्रकाश डालना तथा फूड प्रोसेसिंग जगत से जुड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ वार्तालाप द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना। वह जानकारी जो भारतवर्ष के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण साबित हो। आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना अर्थात प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की गई। PMFME योजना से जुड़ी जानकारी जानने के लिए लॉग ऑन करें www.pmfme.mofpi.gov.in पर। अधिक जानकारी हेतु कॉल करें PMFME हेल्पलाइन नंबर 1300-228-1089 पर। PMFME पॉडकास्ट का यह एपिसोड जिस विषय पर आधारित है वह न केवल खाद्य प्रसंस्करण का एक अहम हिस्सा है बल्कि आज के समय में विश्व भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सेफ्टी की। PMFME पॉडकास्ट के फूड सेफ्टी स्पेशल एडिशन में विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रबोध एस हल्दे। आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं और FSSAI के फास्टैग प्रोग्राम में नेशनल रिसोर्स पर्सन की भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर हल्दे, PMFME पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुला के गौरवान्वित किया और मैं बहुत खुश हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ये जो नया इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत हम लोग लाखों करोड़ों युवा तक पहुँच पाएंगे और ये जो ज्ञान है और ये जो स्कीम है वो मूलतापूर्ण, जिनको उद्देश्य देश की तरक्की करना है, बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रेन से उसका प्रसंस्करण करना और वैल्यू ऐड करना, बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है। मैं मेरे तरफ से जितना भी सहयोग होगा वो करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने हमें निमंत्रित किया। आज के समय में विशेष रूप से इस पोस्ट कोविड युग में एक आम आदमी के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच फूड सेफ्टी के प्रति जागरूकता अर्थात अवेयरनेस के स्तर को आप किस रूप से देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गत 16 महीनों में ये कोविड की जो महामारी है वो हमारे भारतवर्ष नहीं तो पूरे दुनिया में एक महामारी के रूप में छाजा हुई है। जो मास्लोज हायरार्कियल नीड जो होती है उसमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये सबसे बेसिक नीड मानी जाती है। फूड ये जो नीड है, अन्य ये जो नीड है वो बेसिक नीड है। आज के महामारी के काल में हमारी जो पॉपुलेशन है, सोचा तो हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन है। हर रोज 3 बार खाना लगता है। इस महामारी में अगर कुछ शुरू है तो 2 प्रकार की दुकानें शुरू है। एक हमारे किराने किराना जो जहां से आपको खाने की सामग्री मिलती है और एक फार्मासिस्ट। तो मैं कहने को आपको बता दूं, खाने की दुकानें और उसका सप्लाई चेन, इसका रिस्पॉन्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ये महामारी के चलते हुए हमने देखा कि इसकी डिमांड निरंतर बढ़ रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है, ये महामारी, ये जो पर्टिकुलर वायरस है जिसको COVID-19 के नाम से जाना जाता है, वो
हमारे फूड के माध्यम से प्रचारित प्रसारित नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। मेरा कहने का मतलब ये है कि फूड ये माध्यम नहीं है ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह कार्यान्वित करने के लिए। इसलिए कोई भी फूड ये वायरस के लिए बहुत सेफ है और कोई भी फूड खाना भी बहुत सेफ है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमने सावधानियां लेनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लोकल FDA जो अलग अलग हिस्सों में देश के हिस्सों में अलग अलग स्टेट में जो कार्यान्वित है उन्होंने गाइडलाइन दी है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आपने क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप FSSI के वेबसाइट में जाके उनके पोस्टर्स उनकी गाइडलाइंस आप जरूर उनका पठन करिए और उसका प्रिंटआउट लेके अपने अपने फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर है या आप अपना दुकान चलाते हैं वो पोस्टर्स आप अपने अपने जगह पे जरूर लगवाइएगा। बहुत सिंपल सावधानियां हैं। हाथ साफ रखने हैं, आपके चेहरे पे मास्क लगाना है, अगर आपके पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉय को थोड़ी सी भी खांसी या थोड़ा सा भी कोई ऐसे लक्षण है उन्होंने फूड को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको ऐसे जगह से दूर रखना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने जगह को स्वच्छ सुरक्षित और एक अंतर रखना चाहिए। हम उसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी की जो इम्पोर्टेंस है अच्छे खाने की जो इम्पोर्टेंस है ये महामारी के चलते हमारे मन में आ चुकी है। सो दिस कोविड हैज हेल्प बेसिकली टू प्रोपोगेट टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। मैं आपको कह दूं सर कि 5000 साल पहले हमारी जो परंपरा है हमारी जो भारतीय परंपरा है हमने अगर हमारी नानी हमारी दादी अगर हमारे साथ में रहती है या आप अपने गांव में जाते हो तो आप क्या पाते हो? आपकी चप्पल आपके शूज आप घर के अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये महामारी ने तो हमें यही सिखाया, यही फूड सेफ्टी है। आप कोई भी अगर बाहर का आदमी आता है तो उसको पैर और हाथ धोने के लिए लगाते हो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे घर में कोई आता है तो उसको पहले हाथ पे स्प्रे लगाते, यही हमारी रीत थी। तो ये जो फूड हाइजीन के जो रूल्स है आज कोविड के माध्यम से, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है चाहे आप कोई भी रीजन के कोई भी मजहब के हो आपकी परंपरा यही है कि आप अपने फूड को सेफ रखने का प्रयास करो। नहाना धोना साफ सुथरा रहना ये हमारी परंपरा है और हमारे भारतवर्ष में अन्न है पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। हमारे पुराणों में या हमारे ट्रेडिशन में हमने अन्न को पूर्ण ब्रह्म की व्याख्या दी है, यानी हमारा अन्न ही ब्रह्म है, इतना इम्पोर्टेंस हमने दिया हुआ है और ये हमारी परंपरा है। तो कोविड के महामारी में मैं समझता हूँ फूड प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं और आने वाले हैं। लेकिन कौन से फूड को? जो फूड अच्छा संस्कारित हो संस्कृत हो और हाइजीनिक और अच्छा हेल्दी हो उसके तरफ झुकाव ज्यादा गया। फूड सेफ्टी के अंतर्गत वह कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है महत्वपूर्ण विषय है जिनके बारे में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने को इच्छुक उद्यमी को अवश्य पता होना चाहिए? आपको मैं एक बता दूं कि जो फूड सेफ्टी ये जो कंसेप्ट है ये हमारे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप याद करेंगे हमें लास्ट ईयर कब कुछ खाने के बाद वोमिटिंग हुई थी, ऐसी घटना को याद करो कि जो शादी में ऐसा पता चलता है कि ये शादी में कुछ लोगों को वोमिटिंग हुआ डायरिया हुआ। आप खुद को भी कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। कल ऑडिट है अगर सवेरे की फ्लाइट लेनी है लेकिन रात को मेरा पेट गड़बड़ा गया है, ये छोटी घटना है लेकिन ये भी फूड सेफ्टी का अंग है। इसके पीछे अगर मैं जाऊँ ये क्यों हुआ, शायद मैंने ऐसा खाना खाया कि जो खाना नहीं खाने योग्य था। तो फूड सेफ्टी की अम्ब्रेला हम तीन प्रकार की कहते हैं, फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है अगर हमारे खाद्य में अगर कोई ऐसी चीज ऐड की जाती है जो फिजिकल या दिखने में जैसे कॉकरोच आ गया कोई मक्खी आ गई या जो कोई बाहर की एक कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज आ गई जो
खाने के योग्य नहीं है, उसको फिजिकल हजार्ड कहते हैं, उसको हमें रोकना है। केमिकल हजार्ड का मतलब होता है पेस्टिसाइड, आपके अदर केमिकल जो आर्टिफिशियल कलर है, जैसे आप होटल में जाते हो पालक पनीर का ऑर्डर करते हो, बहुत ही सुंदर पालक पनीर आती है, हरे हरे रंग की कलर की आती है, शाही पनीर बुलाते हो उसका कलर रेडिश होता है, हो सकता है उस होटल वाले ने आपको लुभाने के लिए कलर ऐड किया है, लेकिन वो अलाउड नहीं, उसकी रिएक्शन हो सकती है, तो इसको केमिकल हजार्ड कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड का मतलब होता है जो हमारे आंखों से दिखते नहीं है, माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जैसा ये कोविड वायरस है उसी के भाई बहन, उसको ईस्ट और बैक्टीरिया कहते हैं, वो आपके फूड में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस फूड का रख रखाव आपने उस के अनुसार नहीं किया है। जैसे अभी FSSAI ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि जितने भी मिठाइयों के दुकानें हैं उन्होंने मिठाई का उत्पाद कौन से डेट में किया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, अनिवार्य है, उसका जो टेम्परेचर है 8 डिग्री के नीचे रखना चाहिए। अगर 8 डिग्री के ऊपर रहेगा आपको मिठाई अच्छी लगती है तो हमारे जीव जंतुओं को भी अच्छी लगती है, तो बैक्टीरिया भी पनपते हैं उसके अंदर, तो वो बैक्टीरिया दिखते तो है नहीं लेकिन अपने पेट में जाके वो बड़े हो जाते हैं, तो उससे पॉइजनिंग हो सकता है, उससे टॉक्सिन आ सकता है, टॉक्सिन ही पॉइजनस होता है। तो बहुत ही सिंपल रूल से फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड्स को दूर रखना है। तो उसके लिए क्या करना है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी खाना है तो गर्म खाना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज गर्म खाते हो, हॉट खाते हो, सर्व देम हॉट, ये रूल है, सर्व देम हॉट। गर्म खाने के बाद जितने भी माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, कोई भी माइक्रोब्स जो दिखने वाला है वो 88 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर मर जाता है। हर चीज अगर आप गर्म करके खाएंगे तो उसका प्रादुर्भाव कम हो जाएगा। तो ये जो गोल्डन रूल है ऑफ फूड सेफ्टी, कीप एट द लो टेम्परेचर एज पॉसिबल व्हेनेवर यू आर ईटिंग, जब भी आप खाना चाहते हो ईट देम, सर्व देम हॉट, हॉट खाओ। तीसरी चीज, जो भी चीज आपको रखनी है उसको अच्छे से कवर रखो, यानी कोई बाहर की चीज नहीं जानी चाहिए। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फूड सेफ्टी है, फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड्स को दूर रखना है। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और अच्छी एक्सरसाइज करो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट भी करना है। भारतवर्ष के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की भूमिका पर आपके क्या विचार हैं? सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो PMFME स्कीम जो है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए कटिबद्ध है। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपीज की ये जो स्कीम है वो हमारे जो सूक्ष्म उद्यमी है, जो फार्मर लिंक उद्यमी है, और वो भी फार्मर गेट के बाद। फार्मर गेट का मतलब है कि जो हमारा फार्म गेट है, फार्म में जो प्रोड्यूस बनता है उससे लिंक कोई अगर स्कीम है तो ये PMFME स्कीम है। बहुत ही अच्छी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आपको प्रोडक्ट के लिए पैसा है, आपके ब्रांडिंग के लिए पैसा है, आपको मार्केटिंग के लिए पैसा है, आपको स्किल इन्हांसमेंट के लिए पैसा है। ये पहले बार ये जो स्कीम है इसको मैं 360 डिग्री स्कीम कहता हूँ। 360 डिग्री स्कीम का मतलब होता है हमारी ये स्कीम सिर्फ प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, ना मार्केट से लिंक है, हमारी ये 360 डिग्री सपोर्ट है। और 10 लाख रुपीज तक का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो सूक्ष्म उद्योगी है, जो सूक्ष्म उद्योगी यानी फार्म गेट पे, ये समझ लो हमारे पास फार्मर है, उसके पास 2 एकड़ की जमीन है और वो हमारे वहां पे कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल लगाता है, उसको डिहाइड्रेशन का अगर कोई प्लान डालना है छोटे पैमाने पे, तो अपने फार्म गेट पे, अपने फार्मर में वो लड़का 10 लाख तक का लोन लेके ये स्कीम का फायदा लेके कर सकता है। और ये जो स्कीम है इसके माध्यम से मैं समझता हूं कम से कम 5,000 न्यू बिजनेसेस इन ईच स्टेट इनटू 28 स्टेट्स, तो करीबन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में कम से कम 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो सकता है। और ये स्कीम इतना अच्छा उज्जवल भविष्य कर सकती है, स्मॉल जो उद्योगी है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये सरल इसलिए है क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है वो
दो स्टेप का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी मांगा नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने, बहुत ही सिंपल चयन किया हुआ है। बेनिफिट जो है वो आपके बैंक में आने वाला है डायरेक्टली। तो ये जो स्कीम है, मैं ये समझता हूँ कि आज जो कोविड के बाद जो नए नए उद्योग बढ़ने वाले हैं उसकी जो अपॉर्चुनिटी है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, ये स्कीम के तहत हमारे भारतवर्ष में जो आज का युवा है वो इसका फायदा लेके आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ सकता है। इसका प्रोपोगेशन, इसका एक्सटेंशन और इसका जो ट्रेनिंग है वो जगह जगह पे मिलना चाहिए। और आप और हमारे जैसे लोग, जितने भी हमारे उद्यमी लोग हैं, जितने भी यूथ है, उन्होंने इसका फायदा लेना जरूरी है। इसका सारा विवरण हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के वेबसाइट में दिया हुआ है, ये डाउनलोड करके आप इसका फायदा ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो वेबसाइट में जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पे अगर आप ईमेल करेंगे तो आपको इसके बारे में सारा विवरण मिल सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत अच्छा है। और एक मैं कह दूं, बिजनेस तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग बिजनेस ऐसा है जिससे आप फार्मर का भला करेंगे और कंज्यूमर की दुआ लेंगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें आपको फार्मर दुआ देने वाला है। इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो फार्म डिपेंडेंट है। तो ये जो PMFME स्कीम है, अगर ये करने का एक उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भरता की तरफ जाओ और फार्मर की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है और उनका जो टोटल प्रोड्यूस्ड है उसका जो इनकम है वो डबल हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो 70% जो पॉपुलेशन है उसको अगर आत्मनिर्भरता करनी है तो उसको फूड प्रोसेसिंग ही अनिवार्य है, उसका वैल्यू एडिशन ही अनिवार्य है। अगर वो वैल्यू एडिशन होगा तो ये जो 70% जो पॉपुलेशन है दे विल ऐड वैल्यू, और आज जो 20% है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP वो कम से कम 42% जा सकता है। एंड ये जो पर्टिकुलर स्कीम है PMFME, ये बहुत ही अच्छा रोल निभा सकती है, इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि ये जो स्कीम पर्टिकुलरली ये टाइम पे लाई है, कोविड टाइम पे लाई, इसका जरूर फायदा लेना चाहिए और हम लोग हमारे किसान भाई को सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर हल्दे, PMFME पॉडकास्ट में हमारे साथ फूड सेफ्टी पर विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि PMFME पॉडकास्ट का यह एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र के अहम विषयों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत और एक स्ट्रॉन्ग भारत बन के उभरे और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है, और मैं मेरे सारे युवा वर्ग को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जॉब मांगने के बजाय जॉब गिवर बनो, यानी आप खुद उद्यमी बनो और 10 लोगों को आप जॉब दो। इतना अच्छा स्कोप है इंडिया में एंड फूड प्रोसेसिंग इज अ राइट टाइम व्हेन यू कैन ज्वाइन द वैगन फॉर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज हेल्पिंग इन ऑल द वे। धन्यवाद बुलाने के लिए। जय हिंद। थैंक यू। इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े वह कौन से विषय हैं जिनसे जुड़ी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।